हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बेटर ब्यूटी। मैं हूं देवोश्री और मेरे इस चैनल में मैं पोस्ट करती हूं स्किन एंड हेयर केयर रिलेटेड रेलेवेंट वीडियो, नेचुरल डीआईवाईज, प्रोडक्ट रिव्यू एंड बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको भी इन सब में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर डिटेल्स। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू की रिव्यू, जो कि है ब्रांड अबॉट की है सेल्शन शैम्पू, जो कि स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प। तो जिन लोगों को ये डैंड्रफ और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए है। जो लोग लकी इनफ है कि उनकी डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं है तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, इजीली आज के वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सेल्शन शैम्पू दो वेरिएंट में आते हैं, एक है ये येलो कैप वाला और दूसरा है ये ग्रीन कैप वाला। तो फर्स्ट जो है येलो कैप ये फॉर रेगुलर यूज़ है और सेकंड जो है ये ग्रीन कैप ये थोड़ा ट्रिकी है यूज़ करना, तो इसके बारे में मैं आगे चल के आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो है येलो वन वो फॉर एवरीडे यूज़, जिनको बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिनको मतलब इची स्कैल्प बहुत ज़्यादा है तो वो उनके लिए है। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो है वो होते हैं तो उनको एवरीडे बेसिस यूज़ करना सही नहीं होता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसीलिए मैंने वो येलो वाला नहीं परचेस किया है, मैंने ये ग्रीन वाला परचेस किया है। ये सेल्शन शैम्पू दो वेरिएंट के साथ साथ दो साइज़ ऑप्शन में भी मिलते हैं। तो फर्स्ट जो है वो 120 ml की है, जिसका प्राइस मे बी 250 से 300 तक पड़ता है, और एक है ये 60 ml वाला जो कि MRP है 197, बट ये मुझे मिला था 160 और 166 rupees में। शैम्पू की डिटेल रिव्यू शुरू करने से पहले मैं अपनी हेयर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं। तो मेरा जो हेयर है वो स्कैल्प भी ड्राई है और ये लेंथ भी ड्राई है, पूरा सूखा हुआ पड़ा है, और मुझे ना सीजनल डैंड्रफ की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो विंटर में मेरी जो डैंड्रफ की ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इची स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने ये शैम्पू अमेज़ॉन से परचेस किया था विंटर में और तकरीबन 2-2.5 महीने मैं इसको लगातार यूज़ कर रही थी, एंड उसके बाद ही मैं आज इसका जो जेन्युइन रिव्यू है, जो मतलब मुझे जेन्युइन इसको लेके जो फील है, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं बता दूँ आपको कि ये जो शैम्पू है ये ट्रीट करता है डैंड्रफ को और इची स्कैल्प को। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर बेस्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दिस इज़ अ वेरी पोटेंट मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो मैं बार बार इसको पोटेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें है सेलेनियम सल्फाइड, जो कि एक एक्टिव इन्ग्रीडियंट है जो यूज़ किया जाता है फंगी नाम की एक फंगस होती है जो हम ह्यूमन बॉडी में स्कैल्प में अक्सर पाए जाते हैं। तो उस फंगस को ट्रीट करने के लिए ये सेलेनियम सल्फाइड यूज़ किया जाता है। तो इस शैम्पू में भी वो सेलेनियम सल्फाइड है। शैम्पू के मेन इंग्रेडिएंट ही है सेलेनियम सल्फाइड, जो कि ट्रीट करते हैं और कंट्रोल करते हैं डैंड्रफ को। इस तरीके की वाइट कलर की बॉटल में ये मिलते हैं और ग्रीन कलर की कैप है और इसके बीच कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट शैम्पू को यूज़ कर सकते हो और जो सारी डिटेल्स है शैम्पू की इस बैक कवर में आपको मिल जाते हैं। और एक बात, इस शैम्पू की जो स्मेल है बहुत ही वियर्ड है, अजीब किस्म की स्ट्रॉन्ग एक स्मेल है। तो जिन लोगों को स्मेल से एलर्जी है और सेंसिटिव स्किन है तो वो लोग शायद इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या शायद इससे अच्छी रिजल्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वियर्ड है। मुझे इसकी स्मेल तो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इस शैम्पू की कुछ प्रिकॉशंस है। फर्स्ट है कि इस शैम्पू को 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा की तापमात्रा में आप स्टोर नहीं कर पाते हो, तब उसको एक डार्क रूम में स्टोर करना पड़ता है, आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको स्टोर नहीं कर पाते हो। अगर आपकी स्कैल्प में कुछ इन्फ्लेमेशन है, अगर कट वगैरह है, तो आप ये शैम्पू को इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, आप अवॉइड कीजिएगा इस शैम्पू को इस्तेमाल करना। आपके घर में अगर बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो आप ध्यान रखिए कि शैम्पू उन तक ना पहुँचे। और लास्ट है कि अगर आप शैम्पू करते वक्त आपकी आँखों में इसकी पानी चली जाए तो आप तुरंत आपकी आँखों को साफ कर लीजिएगा ठंडे पानी से। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पर।
ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इसमें पोटेंट इंग्रेडिएंट है, तो जाहिर सी बात है हम इसको रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे। इसको पहली बार इस्तेमाल करने के बाद मिनिमम जो टाइम गैप है वो रहना चाहिए 10 to 15 days, मिनिमम 10 days, मैक्सिमम 15 days। उससे पहले इसको सेकेंड टाइम आप यूज़ मत कीजिए। ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो एक्टिव है, जो स्कैल्प के लिए थोड़ा हर्श भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक बार यूज़ करने के बाद मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए 10 to 15 days। आप चाहिए तो 20 days भी रख सकते हैं, लेकिन 10 days से कम में इसको दोबारा यूज़ मत कीजिएगा। फाइनली आते हैं मेरे एक्सपीरियंस पर। तो इस शैम्पू से मेरे जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा से डाइसी है। कारण बहुत है मेरे पास, मैं एक एक करके आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब इस शैम्पू को अप्लाई किया था अपनी स्कैल्प पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। सच में मेरी जो स्कैल्प है पूरी क्लीन हो गई थी। 6 or 7 days तक मेरी जो डैंड्रफ है वापस नहीं आई थी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो भाई बहुत अच्छा शैम्पू मिल गया है मुझे, जो मेरी नीचे स्कैल्प को और डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइम आफ्टर 15 to 20 days, मैं मोस्टली 20 days के बाद ही इसको अप्लाई करती थी। तो जब मैं सेकेंड टाइम इसको अप्लाई किया था तो मुझे थोड़ा हेयर फॉल दिखे, आफ्टर वॉश में ही मुझे थोड़ा हेयर फॉल दिखे। तो मैं सोच रही थी कि डैंड्रफ वापस आ गई है, थोड़ा स्कैल्प इची भी हो रहा था तो इसीलिए हेयर फॉल हो रहे थे। तो मैं उतना भी सीरियस नहीं थी उस हेयर फॉल को लेकर। तो मैं थर्ड टाइम भी इसको अप्लाई किया था। थर्ड टाइम जब मैंने इससे अपनी बाल वॉश की थी, उसके बाद जब मेरी हेयर सूख गए थे और मैं उसको कंघी कर रही थी तो मेरे बाल मतलब फूलों की तरह झड़ रहे थे। मैं बता नहीं सकती, ऐसे मेरे बाल गिर रहे थे, मैं तो चौंक गई थी। अगर मेरे पास बाल ही नहीं बचेंगे तो मैं डैंड्रफ किसके क्लियर करूंगी? मतलब डैंड्रफ क्लियर करने से पहले तो मैं पूरी गंजी ही हो जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस हुई थी, और तब तक हुई थी जब तक मैं दूसरी बार नॉर्मल शैम्पू से अपना जो हेयर है उसको वॉश ना करूँ। तो तब तक मुझे ये एक्सट्रीम लेवल की हेयर फॉल फेस हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे इस शैम्पू से लगा है। तो मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट उतनी पसंद नहीं आई है। तो ये डैंड्रफ पे बहुत अच्छा वर्क करती है, डैंड्रफ बहुत अच्छे से क्लीन करती है, इसकी स्कैल्प में भी ठीक ठाक काम कर लेती है। लेकिन फर्स्ट जो है इस शैम्पू से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो इतनी ज़्यादा हेयर फॉल इस शैम्पू से होते हैं। दूसरा है कि इस शैम्पू का जो वियर्ड स्मेल है, ये ऐसी वियर्ड स्मेल है, मतलब स्मेल ऐसे ही एक अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो स्किन में सेंसिटाइज कर सकते हैं।
फिर शैम्पू में जो एक एंटी डैंड्रफ है, जो एक पोटेंट शैम्पू है, जो अपनी कुछ मेजर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उस शैम्पू में अगर ऐसी वियर्ड स्मेल होगी तो वो बात मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है। ऐसी तरीके की इस शैम्पू में ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। तो इसीलिए मुझे दूसरा उसका वो स्मेल पसंद नहीं आया था। और थर्ड जो मेन इसकी जो ड्रॉबैक है जो मुझे पसंद नहीं आई है वो ये है कि इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्कैल्प की जो नेचुरल ऑयल है वो प्रोड्यूस होना बहुत लेट हो जाती है। मतलब नॉर्मली अगर आप शैम्पू करोगे तो 2 to 3 days के आफ्टर, शैम्पू के 2 to 3 days बाद आपकी जो स्कैल्प है थोड़ी थोड़ी ऑयली होती जाएगी। तो मतलब वो जो नेचुरल ऑयल है आपकी स्कैल्प की वो निकलती जाएगी। लेकिन अगर ये शैम्पू आप यूज़ करेंगे तो आप 7-8 days के बाद भी आपकी जो नेचुरल ऑयल है वो हेयर में नहीं दिखेगी। हेयर स्कैल्प बहुत ड्राई लगेगी और स्ट्रैंड तो इतनी ड्राई हो जाएगी कि टूट के झड़ जाती है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है, उन लोगों को तो ये शैम्पू वर्स्ट एक्सपीरियंस देगी। तो बेसिकली मुझे इस शैम्पू से बहुत सारे प्रॉब्लम है। मुझे इस शैम्पू को इस्तेमाल करके जो फ़ायदे मुझे मिले थे उससे ज़्यादा मेरे नुकसान हो गए हैं। तो मुझे ये शैम्पू उतना ख़ास पसंद नहीं आई है। मैं आप लोगों को भी ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। इनकेस आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है, तो इसको ट्राई करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जिन लोगों को मेरी तरह सीजनल डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके की स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट वाला शैम्पू की बजाय आप DIY हेयर पैक, हेयर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ही कम उसके साइड इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग DIY ट्राई कीजिए रैदर देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला शैम्पू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।